हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह फ्रॉम हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट एकेडमी पंजाब खन्ना। तो मैं आपके साथ जो आज बात कर रहा हूं, ये मेरे पास 250 मर्सिडीज ML आई हुई है। इसके अंदर जो फॉल्ट है वो टॉर्क से रिलेटेड है, टॉर्क सेंसर माल फंक्शन जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। तो इसके अंदर जो फॉल्ट आया, ये पानी पड़ने के कारण ये फॉल्ट आया। इसके अंदर मैं दिखाऊंगा ये कहाँ पे लगा भी हुआ है, वो हम लोग आपको फोटो में दिखा भी देंगे। इसके अंदर जो ये फॉल्ट है टॉर्क सेंसर का पानी पड़ने के कारण, ये हम लोगों ने अभी इसको रिपेयर भी किया। क्या रिपेयर किया वो भी मैं आपके साथ डिस्कस आपको दिखाऊंगा, ताकि आप भी इसको, यदि आपके पास ये फॉल्ट आ रहा है तो आप इसको, यदि ECM रिपेयर खुद कर रहे हो तो आप लोग कर सकते हो, यदि आप लोग मैकेनिक हो या इलेक्ट्रिशियन हो तो आप ये पार्ट खोलकर जो ECM रिपेयर का काम करते हैं उनके पास भेज सकते हो, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। जो लोग मेरे भाई ECM रिपेयर का काम करते हैं या करना चाहते हैं, उसके लिए ये हमारे पास जो बुक है सेकंड पार्ट ECM ECU रिपेयर बुक, आप इसकी हेल्प के साथ भी आगे जाकर ये काम कर सकते हो। क्योंकि ये जो बुक है इसके साथ हम लोग किसी भी मॉड्यूल को रिपेयर करने का तरीका इसमें बताया गया है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे पास इसका मॉड्यूल है स्टीयरिंग का, तो टॉर्क सेंसर का जो ये वायरिंग है मेरे पास, ठीक है, ये इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट होती है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और ये यहाँ पे मैंने ये इसको खोला है, खोलने के लिए ये यहाँ पे कोई भी ऐसा स्क्रू नहीं लगा हुआ जिसके साथ ये कनेक्ट है, ये सिर्फ पेस्ट लगाकर यहाँ पे सिलिकॉन लगाकर इसको हमने इसको ऐसे ही, देखो कैसे किस तरह हमने ये काट कर इसको ओपन कर लिया, ठीक है। ये यहाँ पे सिलिकॉन लगी हुई है और इसके अंदर स्क्रू नहीं है। तो इसके ऊपर ये हाई पावर, जो मोटर को पावर, हाई पावर देने के लिए ये यहाँ पे हमें ये कैसे खोलना पड़ा, इसको हमें ये इस तरीके से, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे ये हमें तोड़ना पड़ा, ठीक है। तो इससे यहाँ पे मोटर के लिए आगे आउटपुट जा रही है। तो ये है हमारे पास सर्किट, जो इसका सर्किट है, इसके अंदर यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, ये देखिए जो कलर चेंज हो गया, ये इसके अंदर जो मॉड्यूल है इसके अंदर पानी पड़ गया। ये देखिए ये दो जो टॉर्क सेंसर के से रिलेशन रखती हैं पिने वायर्स, वो दो हैं, ठीक है, ये टॉर्क सेंसर में लग जाती है और ये जहाँ, अब ये इस मॉड्यूल के अंदर ये दोनों हैं। जब हमने दोनों को अंदर चेक किया तो इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखाना सर, इसके अंदर देखिए ये यहाँ पे कंपोनेंट्स फॉल्टी हो चुके हैं, जिसमें हमारे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस फॉल्टी हो चुकी हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर पे भी फंगस लगी हुई थी और ये पूरा यहाँ पे पानी पड़ा हुआ था, ठीक है। ये दोनों पिनों को जब हमने चेक किया तो हमें ये फॉल्ट क्लियर हुआ। अभी इधर देखिए जहाँ पर भी हमारे पास कलर चेंज हो चुका है, इसके भी हमने जो सुराख हैं उनको, होल्स हैं उनको, कंटिन्यूटी उनकी नहीं आ रही थी, ये हम लोगों ने क्लियर किया। और इसके अंदर यदि हम लोग देखते हैं तो ये नॉन रिपेयर यहाँ पे PCB बोर्ड लगा हुआ है, ये नॉन रिपेयर। तो अब ये मैंने जो आपको दिखाया, इस तरीके से आप लोग इसको खोलकर जो ECM रिपेयर का काम करते हैं कर सकते हैं, जो मैकेनिक हैं या इलेक्ट्रीशियन भाई हैं वो खोलकर ECM रिपेयर करने वाले किसी भी जो कर सकता है उसको ये भेज कर रिपेयर करवा सकते हैं। ये हमारे पास जो आप काम आया था मैंने आपके साथ शेयर किया, तो इस तरीके से हम लोग इसको रिपेयर कर सकते हैं। आइए ये इसको खोलने का तरीका क्या है, जैसे मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन कोई भी जो टेक्नीशियन इसको खोल कर भेजने वाला है वो कैसे इसको खोलेगा, एक बार सर दिखाइए। ये जहाँ पे हमारे पास टॉर्क सेंसर है, ओके, ये देखिए ये टॉर्क सेंसर है इसका। तो अब ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये पूरी आपको चेसी खोलनी पड़ेगी, ये देखिए इस तरीके से, ये मैंने जो हमने टेक्नीशियन ने ये चेसी खोली है, पीछे से भी दिखा दीजिए,
ये पूरा खोलना पड़ेगा आपको। ये देखिए, ये पूरा हम लोगों ने यहाँ से, यहाँ पे वो इसके अंदर मोटर वो लगी हुई है, ठीक है जी। ये स्टेयरिंग का जो हमारा पूरा स्टेयरिंग का जो पार्ट है ये पूरा लगा हुआ है, और ये इस तरीके से हम लोगों ने खोला है। ये इसके नीचे इंजन के नीचे हम लोगों ने ये स्पोर्ट के लिए हमने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। जो मोटर सिस्टम है यहाँ से खोल दिया हमने, ये खोल कर आपको भेजना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग इसको खोल सकते हैं। इसके जो स्पोर्ट रॉड है वो खोलनी पड़ेगी। ये पूरा मैं आपको इसको जो लेफ्ट हैंड के जो टायर है व्हील को, उसको हमने रख के ये पूरा चैसी को थोड़ा सा चैसी के बोल्ट खोल कर हमने ये काम किया। इस तरह आपको खोलना है मैकेनिक भाइयों को, खोल कर इसको जो काम करते हैं इसी में रिपेयर वगैरह का, उसको आप देकर इसको आप रिपेयर करवा सकते हो। टॉर्क सेंसर के अंदर पानी नहीं पड़ा हुआ था जो मैंने अभी आपको जो दिखाया, टॉर्क सेंसर बिल्कुल ओके है। लेकिन टॉर्क सेंसर सिग्नल जहाँ पे जिस मॉड्यूल को दे रहा है उस मॉड्यूल में पानी पड़ा हुआ था। ये था फॉल्ट फॉर्मेटिक मर्सिडीज़ के अंदर। तो अगले टॉपिक के लिए आपके साथ फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।